ऑनलाइन स्टूडेंट से प्लीज मेरी आवाज आ रही है। हेलो बेटा, पेज नंबर 32 40, पेज नंबर 240 पे क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। रिंग का क्या बना जी? रिंग लिमिटेड 1 पॉइंट से ज्यादा मैं मसला तो नहीं, नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, आपने तो बता दिया। जिस स्पीड से मुझे बताया जा रहा है, अगर मैं इंतजार शुरू हो गया तो बेटा आज की बात यहीं रह जानी है। ये बड़ा मुश्किल तो लगना चाहिए, मुश्किल चीजें ही अब करने वाली हैं जी। फिलहाल 240 पेज का है, पेज नंबर 240। बात फाइनली सर यहां तक आई है कि एक दिन की स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आप बताएं कितनी है? एक दिन की स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बेटा घंटों की तो नहीं हुई है, 80 यूनिट्स है। एक दिन के घंटे कितने हैं? लेकिन 8 एक बंदे के, क्या हर बंदा अपने अपने 8 घंटे एक दिन में लगाएगा और 40 टोटल घंटे एक दिन में काम होगा तो फिर 80 यूनिट बनेंगे। अब जरा मंडे देखें, मंडे को कितने घंटे लगा के कितने यूनिट्स बनाए गए? तब प्लीज आई होप ये बहस खत्म है कि मंडे को 40 घंटे लगे कैसे। 40 घंटे लगा के बने कितने? 40 घंटे लगा के बनने कितने चाहिए थे? ऐसे ही था, देन आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर 80 बनने थे और 72 बने हैं, 80 बनने थे फाइनल, तो जरा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स वगैरह में जाए तो बोनस मिलेगा? क्या सैलरी मिलेगी? इसका कोई रेट दिया? अब इसमें हम पार्ट टू कर रहे हैं, 60 पर आप, लेकिन कोई बोनस भी है? नहीं, बोनस भी है वैसे, 100% बोनस है पर आर सेव, तो कुछ टाइम बचाया गया है या एक्स्ट्रा लगाया गया? अब ये वर्किंग लिख के करते हैं, हमें डेली वर्किंग करनी है। ट्यूजडे देखा जाए, ट्यूजडे वाले दिन कितने घंटे काम हुआ, कितने घंटे काम हुआ, 80 घंटे काम हो गया, कमाल हो गया, अचानक ही हो गया। कितने यूनिट्स बने, कितने एक्स्ट्रा बने, ये एक यूनिट बना के टाइम कितना बचाया? ये 81 यूनिट लगा के बना के टाइम तो वही लगा है जो लगना चाहिए था, लेकिन क्या यूनिट्स वही बने जो बनने चाहिए थे? ज्यादा बने, कितने ज्यादा बने? एक ज्यादा यूनिट बनने से कोई टाइम बचा? ये बताना बस, ये कहानी खत्म। वन आर सेव हो गई, अगर 80 यूनिट्स पर डे और 40 आवर्स ऑफ द ग्रुप पर डे का जरा गौर से देखो, देखिए सही गौर से, 80 यूनिट्स पर डे, 40 आवर्स ऑफ द ग्रुप पर डे, एक घंटे में कितने यूनिट्स बनते हैं? एक घंटे में 2 यूनिट्स बनते हैं, कैसे? यूनिट्स पर आर यार, यूनिट्स पर आर कैसे निकालूं यार?
एक वर्किंग लिखा था यूनिट्स पर आवर, 80, 80 के डिवाइडेड बाय 8 आवर्स, एक दिन में कितने घंटे काम हो रहे, 8, एक मिनट यहां तक वर्किंग कर रहा था, 80 डिवाइड बाई, बल्कि मैं सही कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ, आवर्स पर यूनिट निकाल रहे, आवर्स पर यूनिट, यूनिट्स पर आ रही, आवर्स पर यूनिट्स पर, यूनिट्स यूनिट्स पर आवर कैसे वर्किंग करती, 80 डिवाइड बाय, नहीं 40 के तो ना ठीक है, 80 डिवाइड बाय 40 अगर करें तो क्या आंसर आता है, 2 यूनिट्स पर आवर, 80 डिवाइड बाय 1 सेकंड 40, 2 यूनिट्स पर आवर, ठीक है यहाँ पे, 2 यूनिट्स पर आवर का मतलब एक यूनिट का टाइम पता है, नहीं अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, आवर्स पर यूनिट, पर आराम से पहले बात फाइनल करने फिर देखें, फिर फाइनल लिखिएगा, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, 2-3 तरीकों से वर्किंग हो सकती है, हर तरीके से रिकंसाइल करना, पहले मैंने 80 डिवाइड बाय 40 किया है, 80 डिवाइड बाय 40 से क्या है, यूनिट्स पर आ रहा है, यूनिट्स पर 1 आर, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक एक यूनिट का टाइम कितना, आवर्स पर यूनिट, नहीं अब आवर्स पर यूनिट नहीं, अब सिंपल यहीं से वर्किंग हो सकती है, तो यूनिट्स पर 1 आवर, 1/2, ये 2 यूनिट्स पर 1 आवर है ना, एक घंटे में 2 यूनिट्स, या आप वैसे सोच लें घंटे में 2 यूनिट्स का मतलब आधे घंटे में 1 यूनिट, लेकिन अगर वर्किंग करना चाहें तो 1 आवर एक घंटे में 2 यूनिट्स डिवाइड बाय 2, तो 0.5 पर यूनिट, 5.5 आवर्स पर यूनिट, 5 आवर्स पर यूनिट, अरे यहाँ तक लिखें फिर एक और तरीके से वर्किंग करते हैं, ऑल्टरनेट्स तो भी हैं वो भी हो सकता है, पहले ये लिख रहे हैं फिर इसको अल्टरनेटिवली जो तरीके आप मेरे सामने रख रहे हैं वो भी लिखते हैं, याद रखिएगा सर, मैं सर नोटेड है सर, यहीं जरा एक और जरा देखें दोबारा, ये 80 और 40 देखा रहा, 80 यूनिट्स पर पर डे एंड 40 आवर्स, यहां से भी सीधा ये निकाल सकता हूँ शायद मैं, आवर्स पर यूनिट कितने घंटों में कितने यूनिट्स, अब कैसे देखो आवर्स पर यूनिट अगर निकालना, आवर्स पर यूनिट 0.5 आवर्स पर, सोचो ये क्या कीमत, आवर्स पर यूनिट, यहां तक ओके, एक और तरीका बता जा रहा है, डाटा तो गलत होगा, पूरे हफ्ते का एक डाटा दिया हुआ, कितने घंटों घंटे लगे हैं पूरे हफ्ते में, 40 आवर्स मतलब 40 40 40 40 कितने टोटल हो गए,
इन 200 घंटों में कितने यूनिट्स बनने थे? तो अगर मैं 400 लिखूं तो ये है क्या? यूनिट्स डिवाइड बाय 200 करूंगा तो आंसर आएगा क्या? यूनिट्स पर आवर, ये वो 2000 यूनिट्स पर आवर, 2 यूनिट्स पर आवर, ठीक है? सोचो जाए सारी गेम सोचने की। जी एक 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 मैं आ रहा हूँ उसमें, सिर्फ आना। एक और चीज गौर से सुना, एक दिन में घंटे वैसे काम कितने हो रहा है? 5 बंदे मिलते, अगर बोर्ड पे देखें ये मैं क्या कर रहा हूँ, 8 घंटे डिवाइडेड बाय 80, ये क्या है? 8 घंटे काम हुआ है वैसे, 8 घंटे को काम हुआ है, लेकिन पर एम्प्लॉई आंसर आएगा। ये एक मिनट आंसर नहीं कर रहा, ये 0.1 क्या है? नहीं, वो बात की बात वो कर लेंगे, आवर्स पर यूनिट ही है, आवर्स 0.1 आवर्स पर यूनिट और 1 एम्प्लॉय, लेकिन इसको इंटू 5 करना शायद जरूरी हो जाएगा, इंटू 5 सॉरी, टू गेट व्हाट? आवर्स पर यूनिट, टोटल आवर्स पर यूनिट। आई होप कि आप क्लियर है। अब तो नहीं और ऑप्शन है जी? कौन सा? 10 आवर्स नहीं, 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स पर आवर डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 10, 1 डिवाइडेड बाय 10 यानी 0.1 इनटू 5। और ठीक है सर, क्या ठीक है सर? ये क्लियर हो गया प्लीज? 40 40 48 बार बार आ जा रहा था, तो करवा देंगे सर। हाँ जी करवा देंगे, नोट कर ली। मंडे दोबारा देखो, मंडे मंडे वाले दिन जॉनसन से फाइनल है प्लीज, आपको नहीं कोई कंफ्यूजन आएगी। जॉनसन सब कंफ्यूज नहीं करेगी, सर एंगल से हो गया पंगल जी। सर मंडे को अब कितने घंटे में कितने यूनिट्स बचे बने सर? एनी आर सेव, कैलकुलेटर उठाए जरा। अब ये फाइनल हो गया, जरा ढूंढते हैं जरा, 1 घंटे में कितने यूनिट्स बनने चाहिए? नहीं 1 घंटे में, अब इससे ना करें कैंडिडेट, 1 घंटे में 2 यूनिट्स, तो 40 अगर घंटे लगे हैं तो 80 बनने चाहिए थे, बने कितने हैं? अदर हिम्मत कर देना, ये 72 यूनिट से बने ही कितने घंटों में असूलन बनने चाहिए थे? 36। अब ये कैसे करेंगे? 72 डिवाइड बाय चलिए डिवाइड बाय 10, 72 यूनिट्स कितने घंटों में बनना चाहिए? 36। 36 समझ आ रहा है? 36 एक घंटे में दो, तो 36 आवर्स में होना चाहिए था, तो यहाँ 4 घंटे एक्स्ट्रा लगे हैं, तो यहाँ तो देर पर कोई बहस वाली बहस नहीं। ट्यूसडे कितने घंटे में कितने यूनिट्स बने? एक एक्स्ट्रा यूनिट बना हुआ है, कितना टाइम बचा है? अब देखिए जो हमारा जो बोनस है ना, वो यूनिट्स के साथ लिंक नहीं है, वो ये भी हो सकता था कि पर यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस अकॉर्डिंगली हम वर्किंग कर सकते थे 1 यूनिट एक्स्ट्रा का बोनस, लेकिन यहाँ यूनिट्स के साथ लिंक नहीं है हमारा बोनस, हमारा आर सेव के साथ लिंक है। तो एक एक्स्ट्रा घंटा बनने का, एक सॉरी एक एक्स्ट्रा यूनिट बनने का मतलब कितने आर सेव हुए? आधा घंटा सेव, यहाँ से मरेगा आधा घंटा, हाफ आर पर यूनिट है, हाफ आर पर यूनिट, तो क्या एक एक्स्ट्रा बना है? वेडनेसडे वाले दिन बता दें कैलकुलेटर पकड़ के कि कितने आर सेव हुए हैं? 15 एक्स्ट्रा, 7.5,
बस फाइनली ये वर्किंग थी जिस तक हमने पहुंचे। अब बनाए एक टेबल बनाना हमने डेली बेसिस पर की वर्किंग कर। तो मैंने शायद कल भी कहा था इसमें कोई ऐसा ये कहना कि कोई अकाउंटिंग का नया कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है ये स्टोरी नहीं है, लेकिन आपके सामने ये शायद ज्यादा अंग्रेजी का मसला होगा। भी हो सकता है लेकिन उसने कहा बोनस पर आर सेल आखिरी रिक्वायरमेंट भी नंबर टू कर रहे हैं सर, सारा ना करें या वन दोबारा अगर करना है कर लेंगे लेकिन इस वक्त टू करना है। जी हमारी रिक्वायरमेंट है जी डेली अर्निंग्स। मंडे जी बताएं आंटी नूना कर दे हिम्मत 14 to 16 2400 40 क्या है और से क्यों 60 को मल्टीप्लाई करवा दिया है? आर्मी रेट है, आर्मी रेट है। एनी बोनस देना है हर यूनिट के पे अगेंस्ट 120 रुपए देने हैं। हाँ ग्रुप रीडर को निकाल के फिर 100 देने हैं। वो रिक्वायरमेंट वन में। अब जो रिक्वायरमेंट टू है इसमें आज सेव्ड की बेस पे 100% बोनस दे। तो एनी बोनस ऑन मंडे, नो बोनस, एक छोटी सी लाइन लिख लो as time is not saved. पता चलेगा time is not saved why? हाँ लेकिन अब जहन में कोई जालिमाना चीज ना आ जाए कि time उन्होंने जो extra लगाया उसके पैसे काट लें। employee बन के सोचे ऐसे ना करें, इंसान है इंसान से होता है। ये भी हो सकता है अगर फॉर एग्जांपल कम टाइम करें तो उसका कोई पेनल्टी हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात लिखी नहीं हुई। नेक लोग हैं सर, लेकिन सर ये रिक्वायरमेंट बहुत कुछ है। डेली क्या क्या यूनिट लेबर कॉस्ट भी है, कर दें हिम्मत। ये अच्छा ये यूनिट लेबर कॉस्ट से यहाँ मुराद क्या होती है? नहीं मतलब ये लेबर कॉस्ट पर यूनिट है, ये यूनिट पहले लिखा हुआ एक यूनिट की लेबर कॉस्ट ऐसा लिखा हुआ कैसे निकालेंगे? लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैसे 2400 ये थी लेबर कॉस्ट डिवाइड बाय हाउ मेनी यूनिट 80 नहीं 72 बने करते जाए सॉल्व। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बस हम स्पीड अप हो रहे हैं मुकाय 60 × 40 डिवाइडेड बाय 72 क्या जी 60 ये भी ओवरहेड रेट दिया है 60 में ओवरहेड रेट है कहाँ है फैक्ट्री ओवरहेड 60 ठीक है ये ऑनलाइन स्टोर चल रहे हैं साथ आंसर आ जाएगा शायद बजा सेम ही आता है नहीं मतलब बाय चांस 2400 बना हुआ ये कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट ये सब कुछ क्यों कैलकुलेट करी जा रहा हूँ रिक्वायरमेंट में लिखा है कन्वर्जन कॉस्ट कैसे आती है दोनों तरीके हो सकते हैं प्लस भी हो सकता है कन्वर्जन कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ट्यूजडे और वेडनेसडे करवा दें फिर थर्सडे फ्राइडे इंडिविजुअली होना चाहिए
जी क्या बात है, इकट्ठे हो गए? जी इकट्ठे, कौन सा दिन, कैसे? 40 × 60 तो एज इट इज हो गया 24। हाफ आवर सेव तक कैसे पहुंचना? तो फाइनल एक वर्किंग करवा दें। ये ठीक है जी, जो बात हो रही है 1 यूनिट × 0.5, क्या है 1 यूनिट 0.5 आवर्स पर यूनिट, 1 यूनिट × 0.5 आवर्स इज इक्वल टू 0.5 आवर्स सेव। वन यूनिट × ½ आवर सेव, ये बेटा खुला रहने दो, ये काली तरफ पूरा खोल दो, और खुलता तो और खोल दो, पूरा खोल दो। ये आप जरा हाथ दरवाजा जरा पकड़ ले, एक हाथ लेफ्ट हैंड, कोई अगर बंद करने लगे नहीं उसको बता दीजिएगा, वैसे बार बार आवाज आती है। ये आप अपनी चेयर अगर इस दरवाजे के ऐसे रख लें कि कुछ बंद करना भी चाहे तो ना कर पाए, इस चेयर पर बैठ जाए ना, उस चेयर को जरा साफ कर। और वो भाई उठ रहा है, और वो भाई बैठ रहा है, और वो बैठ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। ये चलिए आधा घंटा सेव हुआ, अब क्या करें, जल्दी 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 पॉइंट पर आर सेव्ड आ गया, आर सेव्ड आ गया, मल्टीप्लाई बाय 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 60 इज इक्वल टू 30 बोनस हो गया सर। टोटल अर्निंग कितनी हो गई, 2400 × 30 सॉरी प्लस 30 2430। ये बाकी अब 3 वर्किंग्स करनी है, जल्दी से करें। टू फोर थ्री जीरो डिवाइडेड बाय बटा फिजान, एक रिक्वायरमेंट ए थी यार, रिक्वायरमेंट टू में जो बोनस है वो आर सेव की बेस पे यार, रिक्वायरमेंट टू इज अनदर नेम ऑफ वन, रहने दे यार प्लीज, वो रिक्वायरमेंट वन थी, अब बोनस जो है वो आर सेव की बेस पे है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट टू। जी डिवाइड बाय यूनिट्स बता दें, ओवरहेड सेम रहेंगे, आर सेम है, रेट सेम है, अगर आर बदल जाते हैं तो क्या 60 सेम रहेगा, 40 सेम रहा है, तो 2400 सेम रह गया है, नहीं वो तो ठीक है, ज्यादा यूनिट्स पे डिवाइड हो गया। फाइनल करते ना बस, मैं तो वैसे लिख रहा हूँ। थर्टी 29.6 59.6 एज कंपेयर विद मंडे, पर यूनिट कम क्यों होगी, कन्वर्जन कॉस्ट प्रोडक्शन ज्यादा होगी सर, वही उसी टाइम में प्रोडक्शन ज्यादा होगी, ये भी है साइंस है, वेडनेसडे कर दे सर माइंड अप, इंडिविजुअली कर रहे हैं, मैं भी लिख रहा हूँ।
40 hours into 60, ये फाइनल आंसर बता दो, ये हो गया बढ़ने से, ये आंसर बताइएगा पर यूनिट के। 30.26, 55.26, रिडक्शन आ रही है सर, कन्वर्जन कॉस्ट कम होती जा रही है, 40 सेंटों में ज्यादा यूनिट्स बनते जा रहे हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल से। चलो ऐसा ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे तो आप घर से कर ही लेते होते हैं काम। पेज नंबर 245 पर है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके नहीं प्लीज, अब कर लीजिएगा कंडीशन की चीज एक दफा आंसर करवा दीजिएगा, फिर शायद एक एक दो दो क्वेश्चन आगे देता रहूंगा, इस तरह के छोटे छोटे काम भी होने चाहिए, पता कोई नहीं चलता एग्जामिनर का, हमारा एग्जामिनर ये ढूंढता है क्या छोड़ा होगा, तो इंशाल्लाह हमने छोड़ना है कुछ नहीं। आज से ये पेज नंबर 245 सर लर्निंग का थ्योरी जरा थोड़ी सी और करके तरफ फिनिशिंग टच में से थोड़ा जरा 2 मिनट जरा आपको बोर करना और फिर उसके बाद आधा घंटा और बोर करना, पहले जरा 2 मिनट वाली बोरिंग शुरू करा। लर्निंग कर्व थ्योरी लिखा हुआ, व्हेन लर्निंग कर्व कैन अप्लाई, क्या लर्निंग कर्व हर सिचुएशन में अप्लाई हो सकती है, ये पढ़ने लगे। हमेशा हर जगह लर्निंग कर्व की जो थ्योरी है ये अप्लाई नहीं हो सकती, अगर लर्निंग कर्व थ्योरी ने अप्लाई होना है तो 4 पॉइंट लिखे हो। लर्निंग कर्व है क्या वैसे, लेबर की लर्निंग हो जाती है, लर्निंग हो जाने से कम टाइम में ज्यादा यूनिट्स बन जाते हैं, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, लेकिन क्या लर्निंग कर्व थ्योरी हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है, किन सिचुएशन में एप्लीकेबल, अब ये लिखा हुआ ये पेज नंबर सॉरी रह गया पेज नंबर 245। सबसे पहले लिखा हुआ अभी यहाँ हेडिंग है लर्निंग कर्व, व्हेन लर्निंग कर्व कैन अप्लाई, अगर लर्निंग कर्व में अप्लाई होना है तो नंबर वन एक्टिविटीज लेबर इंटेंसिव, सम टाइम प्रोडक्शन होती है मशीनों से, तो अगर इंप्लॉयज नहीं है मशीनें हैं तो मशीनें भी लर्न कर लेती हैं, मतलब ऐसे ही सोचा रखना, मशीन फॉर एग्जांपल मशीन का 1 घंटा लगता है यूनिट को बनाने में, तो ऐसा ऐसा मशीनें भी लर्न कर जाएंगी और 0.45 आवर्स लगाएंगी मशीन, अगर फॉर एग्जांपल आपके यूनिट्स ऑटोमेटिक है, मतलब आप इनपुट इनपुट करते हैं और बाकी काम मशीनों का और फिनिश गुड बन जाती है, तो क्या मशीनें भी लर्न कर जाएंगी, सोच लेते हैं। आप बाइक पे आते हैं रोज, काफी अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज आते हैं, तो ऐसा ऐसा बाइक ने आप लर्न कर लिया है और टाइम कम होना शुरू हो गया है, नहीं बाइक बेचारी अगर आप किसी कांस्टेंट स्पीड से आएंगे तो अगर किसी और कांस्टेंट स्पीड से आएंगे और उसी पे रहेंगे तो बाइक की लर्निंग है आपकी शायद लर्निंग है, आपको तेज चलानी आगे वक्त के साथ, ये मशीन की लर्निंग है आपका काम है। अगर बाइक ने फॉर एग्जांपल खुद घर से यहाँ आना हो, आप वो भी है ऑटोमेटिक गाड़ियां भी हैं, उसमें कोई ना कोई आप फिर कोई ना कोई उसे कमांड तो देंगे ना कि इतनी स्पीड होनी चाहिए वगैरह, अनलेस उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आ गई तो वो भी आपकी तरह सोचना शुरू हो सकती है, तो वो तो ठीक है सिचुएशन हो सकती है, वरना नॉर्मल हालात में मशीन नहीं लर्न करेगी, ये एबिलिटी अल्लाह ताला ने इंसान को दी, तो वक्त के साथ साथ वो तेज हो जाता, बस अब किधर होना है उसने ये डिसाइड इसमें करना, नहीं इससे इसमें तो कोई शक नहीं है, इससे हम बड़े तेज हो गए, लेकिन कहाँ तेज हो गए क्या वो मैटर करता था, बस ये सवालिया निशान है बड़ा सा। अब जरा बहुत जरा मैंने आपने सुना होगा ये फैसलाबाद सॉरी सियालकोट में वो जो हाथ से फुटबॉल बनाते हैं वो लेबर इंटेंसिव है, तो उसको अगर जहन में रखा जाए अगर एम्प्लॉयज हाथ से काम कर रहे हैं तो वो हाथ से काम करने वाला शख्स बार बार सेम काम करके यूज टू हो जाएगा, टाइम अकॉर्डिंगली सेव होता है,
लेबर इंटेंसिव का यहाँ मतलब है कि इम्प्लॉयज ज्यादा है, इम्प्लॉयज के हाथ से काम होता है, तो फिर लर्निंग कर्व थ्योरी अप्लाई होगी, इम्प्लॉयज इन्वॉल्व। मशीन इंटेंसिव का मतलब होगा ज्यादा मशीनें काम करती हैं, मशीनें ज्यादा यूज हो रही हैं, तो लेबर इंटेंसिव का मतलब इम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो वहां लर्निंग कर्व थ्योरी अप्लाई होती है। क्लियर होगी मेरी बात? वो कहता है प्रोडक्शन यूनिट सर आइडेंटिकल आइडेंटिकल, मैंने जो पहले दिन आपको एग्जांपल दी थी वो ये थी कि सेम सवाल, सेम टाइप भी नहीं, वो सेम टाइप ही सवाल है जो आजकल आप कर रहे हैं, रिंग हो गया, डेजी हो गया, सेम टाइप तो आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट में देख के, ये भी वेरियंस का, लेकिन फिर नहीं हो रहा, सेम टाइप नहीं, सेम सवाल, लेकिन ये भी अज्यूम है कि एक दफा हमने पहले कर लिए, पहले भी देखा, फिर देखा, किया, कभी भी नहीं, एक दफा किया और इसके बाद फिर वो सेम सेम चेयर, सेम एसी, आइडेंटिकल आइडेंटिकल, बार बार सेम फुटबॉल, सेम टाइप ऑफ फुटबॉल, सेम फुटबॉल, ठीक है। तो यूनिट्स किस तरह के होने चाहिए? आइडेंटिकल आइडेंटिकल, अगर डिफरेंट है तो एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा, वही गलत बहस हो जाएगी, अब उसकी लर्निंग, उसकी दोबारा लर्निंग, फिर अब ये कैसे करें, वही गलत इशू बन जाता है। लेकिन अगर सेम आइडेंटिकल यूनिट्स बन रहे हैं, इवन देन लर्निंग कर्व डेवलप हो जाएगी। नंबर थ्री, लो लेबर टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब एम्प्लॉइज का छोड़ना, लेबर टर्नओवर मींस एम्प्लॉइज का छोड़ना लो है। फॉर एग्जांपल 100 एम्प्लॉइज थे, साल को उन्होंने काम किया, ट्रेन हो गए, साथ वाली फैक्ट्री वालों ने अच्छी सैलरी ऑफर कर दी, उनका राइट है वो चलेगा, उन्होंने आपसे निगोशिएट किया, बात नहीं बन सकी, वो चलेगा। अब आपने नए एम्प्लॉयज रख लिए, तो वो अपनी स्किल वहीं रख के चले जाएंगे, साथ ले जाएंगे, अब उन एम्प्लॉयज को जो नहीं आएंगे उन्हें दोबारा लर्न करना पड़ेगा। तो लो टर्नओवर या हाई टर्नओवर, अगर लो टर्नओवर है, एम्प्लॉयज कम छोड़ के जाते हैं, तभी जो लर्निंग डेवलप हुई है आपके पास रहेगी, वरना वो भी साथ चली जाएगी। जैसे आप जैसे स्किल्ड लोग हैं, कभी किसी कंपनी में, कभी किसी कंपनी में, ठीक है। तो मतलब अगर लर्निंग का थ्योरी नहीं अप्लाई होना तो लो टर्नओवर होना चाहिए। लास्ट वन सर, नो प्रोलॉन्ग्ड ब्रेक्स इन प्रोडक्शन, मैंने ये भी बताया था, फॉर एग्जांपल आप अगर इंट्रो जेन में लाए, मतलब इंट्रो तो आपको एग्जाम थी है, अगर एफ ए वन जेन में लाए और एफ ए वन में आपने कैश फ्लो का कोई सवाल किया हो, और आज मैं आपसे दोबारा कहूँ कैश फ्लो का सवाल कर लें, तो ये अज्यूम करना कि उस जमाने में जिस तरीके से आपने कर लिया था, ये शायद ज्यादती होगी आपसे ये कहना कि आप उसी तरह दोबारा कर लें, आपको दोबारा वो लर्निंग डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड ब्रेक आ गई है, एक काम सीखा लेकिन उसके बाद नहीं किया बहुत अरसे तक, इंसान दोबारा भूल जाता है, फिर एक लर्निंग नए सिरे से शुरू होती है, तो मुसलसल काम, ब्रेक ना आए तभी लर्निंग कर्व डेवलप होगी, वरना अगर ब्रेक आ गई फिर इंसान भूल जाएगा, नए सिरे से शायद जिंदगी का आगाज करना पड़ेगा। ये चार चीजें अगर होंगी तो फिर शायद लर्निंग का थ्योरी अप्लाई होगी। बोल दें एक दो तीन चार करते हैं। जब भी कभी रिवीजन करें तो यहाँ जरा एक मिनट रुक के इसे भी पढ़ना चाहिए। नो, अच्छा चौथा चल रहा है, अजम्पशंस क्या है सर? इस लर्निंग का थ्योरी की अजम्पशंस हैं, the amount of time required to complete a unit of product or a given task will decrease every time. That's it, sir. The unit time will decrease at a decreasing rate. We assume that. And the time reduction will have a predictable pattern. का मतलब क्या है? 90% है तो 90% ही है. 98% ही है उसके बाद. क्या चीज constant रहती है फिर? जल्दी से page number कौन सा था? पहला सवाल. एक basic assumption है. मतलब ये कुछ जरूरी नहीं हो सकता है पहले ही आपका 90% और फिर उसके बाद 80 और लर्न हो रहे और, लेकिन हम क्या अज्यूम करें कि जो लर्निंग रेट है वो कांस्टेंट रहेगा? ये भी एक अजम्पशन है, हो सकता है ये रियल लाइफ में वायलेट हो जाए, तो ये कुछ अजम्पशन है इस थ्योरी में। मैंने उसी में शायद आपको बताया था, थ्योरी डजंट मीन्स लॉ, थ्योरी सी है, हर जगह जरूरी नहीं है किसी तरह रहे, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस होल थ्योरी क्या बेसिक प्रिंसिपल ढूंढ लिया? पेज नंबर क्या है? 216 ढूंढ लिया। As the cumulative output doubles, cumulative every time per unit falls to a fixed percentage, fixed रहेगी। अगर 90% है तो फिर 90 ही रहेगा, predictable रहेगा। लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं हर जगह, ये assumptions हैं। क्या-क्या assumptions हैं सर? कि unit को complete करने से time decrease होगा,
वो यूनिट वो डिक्रीजिंग रेट पे रहेगा और जो भी रेट होगा वो प्रिडिक्टेबल होगा। तो इसमें से कम से कम दूसरा तीसरा हो सकता है, दो कंजम्पशन की जा सकती है। कौन सी दो है? डिक्रीजिंग रेट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न। तो कम से कम दो को जरूर हाईलाइट कर लें, एक नज़र पड़ जानी चाहिए एग्जाम में भी, एक आधा नंबर की ढूंढता चीज़ें। देन आज एक और एग्जाम्पल कर लें, लेकिन ये एग्जाम्पल अब आपने करवानी है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ एक पुरानी चीज़ फिर आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल है वो बहुत दफ़ा गलती हो चुकी है, होपफुली आज नहीं। क्वालिटी प्लास्टिक्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्लास्टिक बॉडीज ऑफ वेरियस अप्लायंसेज अकॉर्डिंग टू द कस्टमर स्पेसिफिकेशंस। इट हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ सप्लाई ऑफ 10,000 प्लास्टिक बॉडीज ऑफ अ वॉशिंग मशीन, सप्लाई इज टू बी मेड विद इन 30 डेज। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। क्यूपीएल क्वालिटी प्लास्टिक्स लिमिटेड कैरिड आउट प्रोडक्शन प्रोसेस इन बैचेज ऑफ 100 यूनिट्स ईच। द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बैच यूज टू है, इस तरह से डेटा आता है ढूंढने के ऊपर, कितनी 1,000 प्लास्टिक बॉडीज थी और 100 ईच, कितने बैचेस हो गए? 100 बैचेस हो जाने हैं, ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ये 100 बैचेस की गेम है। और हम इन्हें बैचेस में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमें डेटा बैचेस में दिया है, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट नहीं है, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बैच है। डायरेक्ट मटेरियल इनक्लूसिव ऑफ 10% इनपुट लॉसेस। छोड़ दें ये वर्ड्स, 1,100 क्या है? डायरेक्ट मटेरियल के केजीज हैं, पहले यूनिट को ये लगने हैं, क्या इसमें लॉस के केजीज हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज नॉर्मल रेट 200 घंटे 200 आवर्स एट द रेट ऑफ 220। अब क्या होगा यहाँ पर आ रेट 220, 200 घंटे सॉरी, और 220 क्या है रेट? नहीं, ओवरहेड एट नॉर्मल रेट 200 घंटे 150 रुपया रेट पर लेबर आर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि 200 लेबर आर है, लेकिन ये ओवरहेड रेट पर लेबर आर, ओवरहेड रेट पर लेबर आर क्यों, कैसे हमें पता चला ये पर लेबर आर? 200 घंटे, वही 200 घंटे लेबर वाले 200 घंटे, यही मशीन के भी हो सकते थे, तो फिर अकॉर्डिंगली मशीन आर रेट वेरिएबल रेट पर मशीन आर होता। इट इज एस्टिमेटेड दैट ड्यू टू लर्निंग कर्व इफेक्ट कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बैच वुड बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बैच वुड बी, ये किस बैच का टाइम है? पहले दूसरे तीसरे और चौथे बैच का टाइम दिया हुआ। लर्निंग इफेक्ट वुड कंटिन्यू अंटिल कंप्लीशन ऑफ 64 बैचेस ओनली। 64th बैच का टाइम आपका कांस्टेंट हो जाएगा। लर्निंग इफेक्ट एट वेरियस लर्निंग लेवल्स इज एज अंडर। 80%, 85% एंड 90%। तो अब हम बी बताया हुआ, लेकिन बी कितनी रेंजेस में बताया हुआ? तो हमारी लर्निंग 80% वाली है, 85 है या 90 है? क्या हमें आइडिया है कि लर्निंग रेट फाइंड कैसे हो जाता है? ना करें सर, ये यही जुल्म हो गया है, ना ना, ये जज्बातियत है। वो चार कॉलम जहन में लाएं, 1, 2, 3, 4। पहले कॉलम का नाम, ये टाइम ऑफ कंसर्न्ड यूनिट है और लर्निंग यहां से नहीं निकलती, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो 160 / 200 ये गेम नहीं है। पहला और चौथा कॉलम, ये कौन सा कॉलम का डाटा दिया हुआ है? पहले और दूसरे कॉलम का डाटा। क्या यहाँ पहले और दूसरे के कॉलम के डाटा से हम तीसरे चौथे तक पहुंच सकते हैं? पंचायत तीसरे पे करवा दें, मार्किंग करवा दें, फिर लिख लीजिएगा। लास्ट कॉलम का पूरे नाम बोले, कम्युलेटिव एवरी टाइम पर यूनिट कैसे आएगा? 200 / 1। अगला बोलना है 60/2। फाइव जीरो एट डिवाइड बाई 3 169। 648/4।
162 अभी भी गेम खत्म नहीं हुई। लर्निंग कैसे पता चलती है? एज द कमलेटिव आउटपुट डबल्स, 1 से 2 पे गया, 180 डिवाइड बाय 200, 90%। अगला अगर करना चेक तो कैसे करेंगे? 162 डिवाइड बाय 200, प्रीवियस कमलेटिव टाइम 162 डिवाइड बाय 100, 90% डन। ये बनाए वर्किंग साथ में, तो प्लीज लर्निंग रेट जो है ना वो कमलेटिव एवरी टाइम पर ही है लास्ट कॉलम, और ये पहला और दूसरे कॉलम का डाटा है, सोचना पड़ेगा। जी नोटेड है प्लीज। तो इसमें से आप टेबल में से कौन सा वाला लेंगे आप? 90 नंबर थ्री से, ये नोट कर ली। नंबर थ्री, इट इज एस्टिमेटेड दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट 16 बैचेस material input losses would reduced from to, sirf zehen mein zara mere box se bana ke percentages likhwa de existing situation ke 100 10 90, ye aapko kaise pata chala ki input 100 kyunki humne ratta laga liye, ye lag nahi sakta। आपने डेजी भी कर लिया है, आपने डेजी से पहले वो आइडियल केमिकल्स भी रिवाइज कर लिया है, तो गेम ऑन हो जाती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ढूंढने जरा 10% इनपुट लॉसेस, लेकिन अगर ना भी लिखा होता तो फिर बाय डिफॉल्ट भी इनपुट ही कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल ऊपर ना लिखा होता, सिंपली 10% × 6% जो है इसमें आप लिखा नहीं हुआ ऑफ इनपुट ऑफ आउटपुट, तो बाय डिफॉल्ट भी ऑफ इनपुट उसी तरह है जिस तरह आपने परसों सॉर्ड लेदर में रिवाइज की। नाम याद हो गए हैं, सवाल कौन से हैं? तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में 100, 10 और 90, और रिवाइज सिचुएशन में 100, 6 एंड 94। 1100 ढूंढना रखें, 1100 है क्या बस? 1100 डिवाइडेड बाय बताए, वन टन तो कहीं भी नहीं था यार, खुदा का नाम ले वर्किंग करते, वन टन पता नहीं कहां से आ गया, वन टन तो कहीं भी नहीं था बेचारा। इनपुट 100 है, लॉस 10 है और आउटपुट 110 है। थोड़े पढ़ाई आज कोई बिजनेस करे, अल्लाह करे लॉस 20% हो, 120 हो जाए।
लॉस 100% ना, 200% हो जाए किसी तरह। जी 1100 डिवाइड बाय, ये 100 है वो वाला 100, पहले बॉक्स वाला 100 इनटू 90, और वो जब 90 जो भी आया उसके बाद अब ये 90 94 बन जाएगा, डिवाइड बाय 94 इनटू 100 होता है, होना चाहिए। इसमें मैं वैस नहीं करा पॉइंट नंबर 4 पर, पहले जरा दूसरी चीजों पर देखो। KPL वर्क्स अ सिंगल शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स पर डे फॉर द अबव ऑर्डर ऑफ KPL कैन स्पेयर 8000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, 8000 डायरेक्ट लेबर आवर्स स्पेयर हैं या किए जा सकते हैं। ओवरटाइम आवर्स कैन बी वर्कड एट 1.5 टाइम्स द नॉर्मल रेट, भागते जाएं ढूंढने का चीज है, व्हाट इज द नॉर्मल रेट 20 का रिवाइज रेट बताएं फिर ओवरटाइम करवाएंगे 330 1.5 टाइम्स। अगर 8000 से ऊपर गए थे हम, 8000 तक तो क्या रेट होगा 220, लेकिन ऊपर जाके वो कहता है 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स मींस 330, ठीक है। ड्यूरिंग ओवरटाइम आवर्स ओवरहेड्स वुड बी, ये भी हो सकता है, ये शाम के जो रेट होते हैं ना नॉर्मली, ये 7 बजे के बाद पीक आवर्स शायद इन्हें बोला जाता है, ऑफ पीक आवर्स शायद दिन के होते हैं, तो जब पीक आवर्स का उसमें समटाइम्स बिजली का रेट भी ज्यादा होता है, ये 1.25 कह रहा है, बट इज द नॉर्मल रेट 150, लेकिन अगर कोई ओवर टाइम में काम होगा तो इसका भी एक्स्ट्रा बताया हुआ, डेफिनेटली बताया हुआ तो हम कर रहे हैं, अगर ना बताया होता तो वही होता। अब यहाँ से मुझे जल्दी से ये वर्किंग करने लेबर आवर्स लगेंगे कितने, टोटल लेबर आवर्स लगने कितने, ये लगाएंगे राइट में, एक मिनट से ज्यादा का काम नहीं है, ढूंढने डाटा था करने करने, एक मिनट लगना। कितने बैच बनाने हैं, 100 इंटू 200 का नहीं खत्म करें, लर्निंग होनी है, लर्निंग होनी, 100 इंटू 200 से लर्निंग तो होनी, 100 इंटू 200 ठीक है, 200 पहले बैच का टाइम है, लेकिन क्या लर्निंग हो जाएंगे, तो लर्निंग भी तो नहीं है, 100 बैचेस है जो ऑनलाइन स्टोर से करनी, अपनी फाइनल वर्किंग बतानी है। वाई का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, टेबल टेबल यूज हो जाएगा, देखे 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 64 डबलिंग में आ रहा है, 64 तो आ रहा है लेकिन 63 नहीं आएगा, 63 की क्या जरूरत पड़ेगी, 64th बैच का टाइम कॉन्स्टेंट हो, टाइम ऑफ फर्स्ट बैच इज 200, एक्स की जगह अगर लिखा जाए 64.152, और इंटू 64, अब बजेगा टाइम नहीं, इंटू 64 सीधा समझ आता है, ये ठीक है बेटा, सही है, ऑनलाइन स्टोर से कर भी लिया यार, ये इनटू 64 का कोई आंसर बताओ, 6800 इसमें कहाँ राउंडिंग ऑफ निकालनी यार, 0.152 था जी, 680 नहीं, दोबारा बता दो ये, अब ये पहले सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई बाय 64 किया होगा, कैलकुलेटर में यही आंसर आता है।
सर यही आ रहा है सर, नहीं यही आ रहा है ना, जो भी राउंड ऑफ करना है। 63 वाला बताइए, 6712, 91 के टाइम ऑफ 64 सेकंड। ये 1007 9 है, ये बच्चों ने 1005 1 कैसे निकाला? किडी रहनी हो राउंडिंग ऑफ ही यार, ये कौन सी राउंडिंग ऑफ, यहाँ कौन सी राउंडिंग ऑफ हुई? वी लव राउंडिंग ऑफ हियर। ये एक सेकंड जरा, इनटू 64 से पहले जरा आंसर बताइएगा, इनटू 64 करने से पहले। उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं आप, ये आता ही इतना। अब इसको 106.29 कैलकुलेटर पे लेके जरा 64 करेगा। सिक्स एट जीरो थ्री पॉइंट फाइव टू, 0.52 आता जी बेटा। मैंने कहा था कि पॉइंट्स में ले जाए ले जाए जी। 6712, 6712.29, 90.2 ये 90.23। जिन्होंने 91 कर लिया वे आपसे कोई बात नहीं हो रही, आप आगे कंप्लीट करें। ये टाइम ऑफ क्या निकालना चाहते हैं, 100 बैचेस, जो आंसर आ रहे निकालिए। फर्स्ट 64 बैचेस का टाइम है, आपने अपने अपना करना जो कर लिया, 6 8 प्लस क्या करना नेक्स्ट कितने 36, नेक्स्ट 36 बैचेस कैसे 90.91 करें आप लोग, 91 किया 36 जी 90.23 इंटू 36, 90.23 प्लस इंटू 36 3 to 4 8 1005 0.8। आप लोगों का जिनका आंसर 1007 9 आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, इस बहस को यहीं छोड़ दें, वर्किंग समझ आ गई। अब सेकंड लास्ट दोबारा पॉइंट पढ़ा, क्या ओवर टाइम बल्कि लास्ट पढ़ेगा, क्या ओवर टाइम की जरूरत पड़ेगी, कितने टाइम कितने आवर्स स्पेयर हो जाएंगे, 8000 आवर्स अवेलेबल है ना, स्पेयर हो जाएंगे बल्कि स्पेयर है, और 2079 फिर ओवर टाइम में काम करना पड़ेगा। ऐसे ही सर, फिगर्स में तो कंफ्यूज नहीं, बाकी राउंडिंग ऑफ का इशू तो मेरा ख्याल अल्लाह के हवाले ही है। पेज नंबर 234 निकालो, ये बाकी इसको फिनिशिंग टच देना, आप होमवर्क रखें सर। आज मेरी तरफ से कोई नया सवाल नहीं है, यही लर्निंग का फिर मैं बताता हूँ एंड में कि लर्निंग, एक तो ये क्वेश्चन कर लें, बाकी जो क्वेश्चन किए हैं एक दो दिनों में मेरे ख्याल आज रिवाइज कर रहे हैं।
जी वो तब रेलिवेंट होती है अगर ग्रंटीड वेज हो, ग्रंटीड वेज हो तब है, ये आइडल वर्ड नहीं शायद लिखा हुआ। 1779 के साथ ये बेटा कैलकुलेटर पे आया है, 6803 अगर लिखा जाए और नीचे 61712 लिखा जाए तो 91 में डिफरेंस बनता है। और अगर नाइन्टी वन की बेस पे वर्किंग की जाए तो कैलकुलेटर पे लिखें 91, जरब दें 36 और जमा इसमें करें 6803। ये सर पेज नंबर 234। ये जो हमने जो कल क्वेश्चंस किए और आज अभी खत्म है क्वेश्चन, मतलब तीन क्वेश्चंस किए, उनमें ये जो बोनस सिस्टम्स आए हैं, आए हैं सर, उनको मैंने न्यूमेरिकली तो अल्लाह का शुक्र कुछ कर लिया है, इसमें तो थ्योरी भी कुछ लिखी हुई है। तो पेन रखने हाथ में, जितनी कोशिश कर सकें तो पढ़ लें, फिर डिसाइड भी करते जाते हैं कि इसमें से क्या याद रखा जा सकता है। दरमियान में खड़ी लिखी हुई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोनस सिस्टम्स, आप एम्प्लॉयर हैं, आप एम्प्लॉयर हैं और आप एम्प्लॉयर के तौर पे अपने एम्प्लॉयज के लिए कोई बोनस सिस्टम बनाना चाहते हैं। वो कहता है बोनस सिस्टम बनाते हुए कुछ उसकी करेक्टरिस्टिक्स ऐसी होनी चाहिए जो जहन में रखी जाए तो अच्छा है। नंबर एक, बोनस सिस्टम बनाने का तरीका क्या है, जो कसर हमने की वो अगर थोड़े से हेल्पफुल जहन में रखें तो वहां से ये समझना जरा आसान होता है। वो कहता है सबसे पहले ये होना चाहिए कि टारगेट सेट किया जाए, जिस तरह शायद अगर अभी आज वाली एग्जांपल ही देखी जाए तो 40 घंटों में 80 यूनिट, एक टारगेट पहले सेट हुआ और फिर उस टारगेट के साथ परफॉर्मेंस मैच होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए सर। नंबर टू, एम्प्लॉयज फील ट्रस्टेड एंड मोटिवेटेड, एम्प्लॉयज को आप पे फिर भरोसा भी होना चाहिए कि आपने ये जो बोनस कह दिया है आप देंगे भी, और अगर उन्हें ये भरोसा नहीं है तो फिर इस बोनस सिस्टम का कोई फायदा नहीं है। ये भरोसा कब डेवलप होगा, जब आप अपनी बात से इधर उधर नहीं होते थे हिस्टोरिकली, तभी उन्हें यकीन आएगा कि जो आपने कहा है आप फ्यूचर में करने का प्लान रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अनाउंसमेंट्स करते रहे, जब बोनस देने की बारी आई तो कह दिया लॉस हो गया, ऑडिटर्स ने कहा है लॉस हो गया है, उन्होंने कहना फिर इन्हें लॉस ही होना, तो मतलब ट्रस्ट होना चाहिए उन्हें कि ये जिन्होंने कहा है, और फिर उसको उस तभी उन्हें मोटिवेशन इसकी होगी कि हम काम करेंगे तो उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। उससे फिर होगा क्या, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही, ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज क्या होती है, प्रोडक्शन बढ़ जाए एंड दे आर पेड मोर फॉर देयर इंक्रीज एफिशिएंसी, उन्हें भी फिर ज्यादा पैसे मिलेंगे अगर वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लेंगे, इससे क्या मतलब होता कम टाइम में। लेकिन बारे में मेन वर्ड्स क्या है, शायद फील ट्रस्टेड एंड मोटिवेटेड। नंबर थ्री, डिस्पाइट द ऑर्गेनाइजेशंस लेबर कॉस्ट बीइंग इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ बोनस पेमेंट्स द टोटल यूनिट कॉस्ट ऑफ द आउटपुट स्टैंड्स रिड्यूस्ड बाय ओवरहेड्स, कम हो जाएंगे सर कहते रहे, बल्कि मैंने कल क्वेश्चन नंबर वन किया था उसमें जो सुपरवाइजर साहब ने क्वेश्चन उठा दिया था कि ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली शायद पता चला था कि महंगा कम अज कम नहीं पड़ रहा, थोड़ा सा कम ही पड़ रहा वो, लेकिन उनकी जो बात थी वो सही थी अप टू द एक्सटेंट ऑफ द लेबर कॉस्ट, लेकिन सिर्फ लेबर नहीं साथ ओवरहेड्स को मिला के कन्वर्जन कॉस्ट की बेस पे शायद डिसीजन होना चाहिए। वो कहता है ये यकीनन हो सकता है कि लेबर कॉस्ट बढ़ जाए, लेकिन आपका जो डिसीजन है वो अगर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो रही है और प्रॉफिट पर यूनिट अल्टीमेटली इंक्रीज हो रहा है तो आपको शायद इस बोनस सिस्टम को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर एम्प्लॉइज को थोड़ा ज्यादा देख के अल्टीमेटली पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो रही है तो क्या उससे कोई फर्क पड़ता है सर? नहीं, मतलब मीन समय टेंशन में तो नहीं जाना चाहिए जो लेबर को पैसे ज्यादा चले गए, बल्कि अच्छा है अगर एम्प्लॉयज में ज्यादा पैसे चल रहे हैं, लेकिन अगर अल्टीमेटली हमारा पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाए तो शायद विन विन सिचुएशन, एम्प्लॉयज भी खुश आप भी खुश। तो कौन कौन सी चीजें सर पढ़ी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में,
टारगेट सेट होना चाहिए, एम्प्लॉइज फील ट्रस्टेड एंड मोटिवेटेड, और डिस्पाइट लेबर कॉस्ट बीइंग इंक्रीज्ड, कॉस्ट पर यूनिट एंड अल्टीमेटली इंशाल्लाह प्रॉफिट विल यूनिट इंक्रीज। देन नीचे ना कुछ इस बोनस सिस्टम्स के मेथड्स लिखे हुए हैं, इनके जरा नाम जरा ढूंढने जरा। एक पहले नीचे लिखा हुआ हाइडे रेट सिस्टम, एक मिनट नेक्स्ट पेज पे जाए, नेक्स्ट पेज पे उसकी एक एग्जाम्पल है, उसके बल्कि इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। हाइडे रेट सिस्टम वन हो गया, पेज नंबर 236 पे लिखा हुआ है, ये तो उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ जाएंगे। इंडिविजुअल बोनस स्कीम नंबर टू, इंडिविजुअल बोनस स्कीम नंबर टू, एंड नंबर थ्री ग्रुप बोनस स्कीम, और एक इधर अगले पेज पे जाए प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम, बल्कि एक पांच भी प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम नंबर फोर हो गया, एंड नंबर फाइव इज शेयर इंसेंटिव स्कीम। इम्प्लॉय शेयर स्कीम कभी सुना आपने? उसमें क्या होता है, इम्प्लॉयज को शेयर ऑफर करके ये एहसास दिलाया जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता कंपनी भी आपकी होती जा रही है, कंपनी के मालिक बनते जा रहे हैं। तो इम्प्लॉयज को इस तरह की मोटिवेशन भी दी जा सकती है। आज हाइडे रेट सिस्टम, अब जिस तरह लफ्ज में लिखा हुआ हाइडे रेट से क्या समझ आएगा? हाइडे रेट के ये शायद हमने किया भी था, एग्जाम्पल ढूंढे इसकी तरफ, मेरे ख्याल जहां जहां हो सकती है, रादर देन के सिर्फ बोरिंग बना लिया था। ये पेज नंबर 239 पर है, इसमें ये तो थर्ड था तैयब, यस सर, कि अगर वो यूनिट्स कोटा प्रोडक्शन अचीव कर लेगा तो उसका रेट ही बढ़ा दिया जाए, आर्ली रेट ही बढ़ा दिया जाए, तो वो जो डेली रेट है या आर्ली रेट है वो ही अगर बढ़ा दिया जाए तो एक तरीका इंसेंटिव देने का ये भी हो सकता है। क्या हाइडे रेट सिस्टम, इसमें क्या होगा अपने अंदर, अंडर हाइडे रेट सिस्टम एम्प्लॉइज गेट पेड एट हायर देन एवरेज आर्ली रेट प्रोवाइडेड दे एग्री टू प्रोड्यूस अ गिवन अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट एट अ गिवन क्वालिटी। जाए जरा दोबारा पेज नंबर 239 पर, तैयब साहब से को क्या कहा गया था, नहीं पढ़ देना वहां से देख लो, एक 160 का शायद कोटा डिसाइड हुआ था, तो प्रोवाइडेड अगर एग्री कोई 160 बना दे तो हम आर्ली रेट को ही बढ़ा के 5% या 10% वगैरह जो भी हो सिचुएशन, वहां 5% थी वो अगर कर देंगे तो दिस इज कॉल्ड एज हाई डे रेट सिस्टम। आ जाए वापस, इसमें क्या होता है एवरी रेट बढ़ा दिया जाता है अगर एम्प्लॉइज की सीज पे एग्री हो जाए कि वो गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स बना देंगे, लेकिन एंड में जो वर्ड्स लिखे हैं शायद ये भी जरूरी है, एक ये भी होता है कि जल्दी जल्दी यूनिट्स बनाने से क्वालिटी भी सफर हो सकती है, फिर आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड भी सेट कर सकते हैं कि इस तरह के अगर यूनिट बनेंगे, ये भी ना हो कि ज्यादा यूनिट बनाने के चक्कर में एम्प्लॉयज क्वालिटी कंप्रोमाइज करते हैं, रॉ मटीरियल वेस्टेज बढ़ जाए, आज तो कम लग रहे हो लेकिन उधर से रॉ मटीरियल ज़ाया होना शुरू हो जाए, या प्रोडक्ट की फिनिश जो फिनिशिंग है वो सही ना हो, उसकी क्वालिटी मुतासर हो जाए, तो ये शायद सारे पैरामीटर्स आप डिसाइड करके फिर इस तरफ आएंगे। प्रोडक्टिविटी यकीनन बढ़े लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ के इन मटेरियल वेस्टेज बढ़ जाए या अल्टीमेटली जो फिनिश गुड्स हैं वो सही क्वालिटी की ना हो। तो क्या क्या जहन में रख के फिर ये होगा, या क्या क्या एम्प्लॉयज का शायद बता के होना चाहिए कि क्वालिटी भी खराब ना हो, मटीरियल वेस्टेज भी ना हो, वो सब कुछ भी ना हो और टाइम कम लगे, प्रोडक्शन बढ़ जाए, ये फिर कैसे हो सकता है? नहीं इस तरफ ना जाए, ये इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकल बात करें हो सकता है, इंसान कोशिश करे हो जाता है। देन सर इसकी एक एग्जांपल लिखी हुई है, ये एग्जांपल होमवर्क है और इसका आंसर एक पूरे सफे पे है। अगर ये एग्जांपल आपने पढ़ी तो आप इंशाल्लाह मुस्कुराएंगे जरूर एट द एंड, ये एग्जांपल भी होमवर्क हो सकती तो मुस्कुराहट के लिए बनती है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है क्या मुस्कुराहट का कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। पेज नंबर 236, लेकिन कोई एक तो जरूर होगा ताकि सबकी तरफ से हो जाए, नहीं एक तो होना चाहिए, हर बंदा अपने आप को एक समझे। एडवांटेजेस सर, अब ये किसके एडवांटेजेस, वो कहते हैं इट इज इजियर टू कैलकुलेट, यार आपने बड़े सवाल किए, बाकी इसमें कोई इतना मसला नहीं था शायद। अब ये नहीं होता इजियर टू कैलकुलेट का मतलब कि बगैर किए ही हो जाएगा, comparatively it is easier to calculate and understandable, easier to understand, ऐसे ही
एम्प्लॉय को भी शायद थोड़ा सा अगर सिखा दिया जाए यार, 5% 8 हो जाएगा, 100 रुपये आपको मिलता था, 5% अगर उसे बैठा के भी समझा दिया जाए तो शायद कंपेरेटिवली एक ऐसा शख्स जो आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं भी है उसे भी पता चल जाएगा, पहले मुझे 100 मिलता था तो अब 105 मिल जाएगा। लेकिन अगर वो वाली बोनस स्कीम जो आपको बड़ी मुश्किल से 1% नंबर 3 में समझ आई है कि 1 घंटे में इतने यूनिट्स बनते थे और इस चक्कर में अगर डाल दिया आपने तो अकाउंटेंट को मुश्किल हो जाएगा। इट अश्योर्स एम्प्लॉय कंसिस्टेंटली हाई वेज, उसको भी फील होगा कि यार पहले मैं 100 रुपये लेके जाता था 1 घंटे का, अब मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। समझ आ रहे हैं? बाकी ये कोई ऐसा ना रट्टा लग सकता है ना रट्टा लगाना है, तरीका बस यही होगा कि जब भी आज मैं कहूंगा घर के लिए पढ़ने के लिए तो एक दफा आज पढ़ लेना, फिर मैं जब भी आपको रिवीजन के लिए कुछ पेजेस बताऊंगा तो उस वक्त आपने जब भी गुजरना यहाँ से तो रुको के जरा 2 मिनट मेन मेन अंडरलाइन करते रहिएगा क्या क्या इसमें लफ्ज है, कुछ वर्ड्स बस जहन में रहने तो आपने रिस्क कवर करना है कि अगर थोड़ा बहुत लिखना पड़ जाए। डिसएडवांटेज कैसे, एम्प्लॉयज कैन नॉट गो बियॉन्ड द फिक्स्ड आवरली रेट फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट दे पुट इन, ये बात कल उधर तैयब में दोबारा हुई थी, वापस जाए तो 39 पे तैयब के साथ, तैयब वाले थर्ड सिनेरियो में पेज नंबर 239 ये डिसाइड हुआ था कि उसका कोटा अगर अचीव हो गया है और उसने बाद वाले दिनों में ज्यादा यूनिट बना भी दिए तो उसे कोई आप जैसा अकलमंद आदमी मिल भी गया तो उसे बढ़ा के समझाना यार तुम किसे कम बढ़ाओ, 160 अगर बना दिए तो 170 और 175 या 180 बनाने का आपको क्या फायदा। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि एक खास लिमिट तक जाके बस एम्प्लॉय भी कहेगा मुझे तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलना, देयरफॉर बस मैं उतना ही काम करता हूँ जितना शायद जरूरी है, हर बंदे को रब ने अकल दी है और वो इसे इस्तेमाल कर लेता है। हाँ ये अलग इशू है कि हम उसे कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं, पॉजिटिव भी यूज कर सकते हैं नेगेटिव भी, लेकिन हर इंसान के साथ पॉजिटिव भी नेगेटिव भी साथ साथ ही है। ठीक है सर, बता देंगे क्या लिखा हुआ है पहली लाइन। वो कहता है दोबारा जरा देखें, इन द एग्जांपल गिवन अबव, अब ये जो गिवन अबव है ये घर जाकर के जब आप पढ़ेंगे लेकिन संडे समझ आ रहा है। इफ एम्प्लॉई मेक्स 280 यूनिट्स इंसटेड ऑफ 40 यूनिट्स इन 40 आवर्स द कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज इवन फर्दर बट ऑल द सेविंग वुड गो टू द एम्प्लॉयर एंड नन विल गो टू द एम्प्लॉई, तो ये जाती है। तो शायद एक कम्बिनेशन होना चाहिए कि कुछ एक्स्ट्रा का यूनिट्स बनाए तो उसका भी कुछ ना कुछ उसे दें ताकि मिलजुल के जिंदगी चले। द हाई डेट रेट हाई वेजेस माइट बिकम एक्सेप्टेड लेवल ऑफ वेजेस, ये भी इंसान है सर, पहले अगर 100 मिलता हो उसके बाद 110 हो जाए तो कुछ दिन तो शायद खुशी होगी कि 100 मिलता था 110 मिल रहा है, लेकिन ऐसा 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 वो भूल ही जाएगा वो कहेगा यार अब 110 ही मिली जा रहा है, इतने दिन हो गए बस 110 ही हो गए, तो एक एक्सेप्टेबल सा हो जाएगा और इसके बाद भी फिर वो शायद इंसान दोबारा कहता है यार क्या फायदा मैं इतनी दूर से आता हूँ इतना ही मेहनत करता हूँ सैलरी बढ़ाते नहीं हमारी ह्यूमन साइकिल, समझ आ जाएंगे सर। पहले दो सेंटेंस सर, एक फर्स्ट सेंटेंस डिसएडवांटेज में और एक सेकंड पॉइंट का सेकंड सेंटेंस, एनी कंफ्यूजन बार क्लियर हो रहा है। फिर सेकेंड है सर इंडिविजुअल बोनस स्कीम्स, an individual bonus scheme set out performance objectives and targets and usually form part of the performance appraisal system of the organization, pehle zara padhne fir isme decide karte hain kaun sa sentence sufficient hai. Every individual bonus is calculated separately and is unique to every employee. Ek second ke liye zara question number 3 dhoondna, kuch cases aise ho jate hain jin mein individual bonus dena possible nahi rehta kyunki employees mil jul ke units banate hain, kya 40 घंटे 5 बंदे लगा के 72 यूनिट्स 81 यूनिट्स वगैरह बना रहे थे, लेकिन जरा उसमें जाए नहीं वो समी वाले में भी ऐसे ही था शायद, समी में भी इकट्ठा ही था लेकिन ये जो तैयब ही था शायद तैयब का, एक तो हम थर्ड पार्ट है ना जरा थर्ड से ऊपर जाए जरा तैयब 3 to 39, इसके अलावा भी कोई तरीके अडॉप्ट हुए थे बोनस के सिर्फ तैयब को, तैयब के भी एक्स्ट्रा यूनिट्स में बोनस बन रहा था मेरा ख्याल 0.12 में। तो ये इंडिविजुअल स्कीम है, असल में इस इंडिविजुअल को ग्रुप से डिस्टिंग्विश कर रहा है बस। ग्रुप बोनस स्कीम क्या होती है, एक ग्रुप एज अ होल को बोनस मिलेगा, इंडिविजुअल स्कीम क्या है एक अलग अलग पर्सन का बोनस जितना जितना जिस जिसने काम किया होगा। ठीक है तो इसमें सेकंड सेंटेंस बस अंडरलाइन करें, एवरी इंडिविजुअल बोनस इज कैलकुलेटेड सेपरेटली एंड इज यूनिक टू एवरी एम्प्लॉई,
So basically, it is an incentive whereby employee has to qualify to obtain a bonus on top of his or her salary. बस इसमें एक सेंटेंस अंडरलाइन करो. इंडिविजुअल बोनस स्कीम में सिंपली क्या होना, एवरी इंडिविजुअल बोनस इज कैलकुलेटेड सेपरेटली एंड इज यूनिक टू. शायद सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज ये होगी कि ये जो मेथड्स हैं इनके कोई नाम जहन में रह जाए, तो जो नाम है मेन, क्योंकि शायद अगली स्टोरी कुछ ना खुद भी बना लेंगे. इंडिविजुअल बोनस स्कीम अगर आपको पता चल जाए तो मेरा ख्याल है इतना तो आप भी लिख लेंगे कि हर इंडिविजुअल का बोनस अलग अलग कैलकुलेट होगा, तो कम से कम हेडिंग याद आ जाए. For example, 100 per unit bonus is paid to an employee if the production is at least 500 units per month. If employee achieves, एक सेंटेंस काफी है. फिर इसमें रेफरेंस दिए हुए क्वेश्चन नंबर टू वगैरह, तो वो वही है जो आगे देखते थे. ग्रुप बोनस स्कीम सर, इन केस वेयर इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड एंड एम्प्लॉई वर्क्स एज अ टीम, इंडिविजुअल बोनस स्कीम बिकम्स इनप्रैक्टिकेबल. मैंने आपको एक गाड़ी की एग्जाम्पल दी थी. अब एक गाड़ी को बहुत से लोगों ने कोई असेंबली कर रहा होगा, कोई पेंटिंग कर रहा होगा, तो ये सारे जो बंदे हैं कुछ मिलके एक यूनिट बना रहे होंगे, तो उस केस में फिर हम ग्रुप एज अ होल को बोनस दे सकेंगे अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो. इन सच सिनेरियोस ग्रुप बोनस ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स आर फाउंड टू बी मोर रेलेवेंट एंड फीजिबल इवन इन दिस केस व्हेन इंडिविजुअल अलोन कैन नॉट कंप्लीट हिज जॉब विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ ऑल अदर वर्कर्स दे टू. बस ठीक है, पहला सेंटेंस पहला पढ़ना, फिर दोबारा बोलना. अब अगर ग्रुप बोनस स्कीम हो तो फिर नेक्स्ट लाइन में अंडरलाइन करना, रिवॉर्ड्स ऑल एम्प्लॉय मेंबर्स इक्वली बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द टीम मेंबर्स. अब फिर हर एक को इक्वली मिलेगा, क्या ख्याल है? लेकिन इसके फिर अपने प्रॉब्लम्स हैं. पांच बंदे अगर मिलके काम कर रहे हैं और मेरे जैसा कोई इस ग्रुप में शामिल है आप लोगों के साथ, तो उसे भी पता आप मेहनती लोग हैं, तो मैंने लेके मोबाइल बैठ जाना सारा दिन, आप देख रहे हैं मुझे मोबाइल से लगा हुआ है और मैं आपको देख रहा हूँ काम सही कर रहे हैं. आपने काम अच्छा किया, बोनस मिलना है, मुझे भी मिलना, तो आखिर कब तक मुझे इग्नोर करेंगे? तो पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है. और मेरा क्योंकि काम ही सारा दिन कुछ नहीं है, तो सबसे बड़ा पॉलिटिशियन कौन करार पाएगा? नहीं. और मैंने मैनेजमेंट को ये एहसास दिला देना है कि असल काम मेरा है, मेरी सुपरविजन की वजह से ये लोग सही काम कर रहे हैं, तो उनका भी दिल टूटना है. फॉर एग्जांपल 1000 रुपए बोनस बना डिवाइड बाय 5 हो गए, तो जब वो 200 मेरे आना है तो उन्होंने भी कहना रहने दे, तो फिर सबका गया. अच्छा सबका बोनस गया तो बिजनेस को क्या नुकसान है? नहीं उसका प्रोडक्टिविटी भी जाएगी. अच्छा यूनिट्स बन रहे थे यार, सारा कुछ तो हमें नहीं ना मिल रहा, एक्स्ट्रा यूनिट्स बन रहे थे, ओवरहेड सेव हो रहे थे, पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही थी, तो वो अच्छे भले बन रहे थे, जो बना रहे थे वो मेहनत कर रहे रहने थे. अगर ऐसे बैठ के भी मिलता है तो हम क्यों नहीं? तो एट द एंड ऑफ द डे फिर काम कौन करेगा? करेगा बस वही करेगा, कोई एक ढूंढ लेंगे टॉस कर लेंगे. लेकिन हमेशा किसका टॉस में नाम नहीं आएगा, कोई टॉस करने वाला भी तो होना चाहिए, वो हम फिर ये भी सिलेक्ट होगा ना सबसे बेस्ट टॉस कौन करवाता है. ठीक है सर, लेकिन ये मजबूरी है, फिर इक्वली देना पड़ेगा. अब ये नहीं डिसाइड हो सकता किसकी ज्यादा मेहनत है, और अगर इस चक्कर में पड़ेगी तो और बड़ा मसला हो जाना. अगर मैनेजमेंट इस चक्कर में पड़ेगी कि इसने ज्यादा काम किया तो वो और पॉलिटिक्स, ये मैनेजमेंट के नजदीक है, ये हर वक्त मैनेजमेंट के पास बैठा रहता है, मैनेजमेंट इसे प्रेफर करती है, हमारा ख्याल ही नहीं है. इंडिविजुअल बोनस की ठीक अच्छी है वैसे, हर बंदा अपनी अपनी मेहनत कर रहा होगा, अपना अपना काम कर रहा होगा, लेकिन मजबूरन समटाइम ग्रुप स्कीम बनानी पड़ती है. तो ये जो मैंने इसमें बताया ये अभी आगे आ जाएगा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. मारा ये क्लियर हो गया प्लीज? ये सेकंड लाइन प्लीज क्लियर है? बोलते भी है टाइम, टाइम आराम से गुजरना, और मैंने पूरा हिसाब लगाया इंशाल्लाह ये अगला सफा खत्म होना टाइम मतलब, अब टेंशन उसकी ना लें, टाइम गुजरना. ग्रुप बोनस प्लान रिवॉर्ड ऑल टीम मेंबर्स इक्वली बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द टीम मेंबर्स. It usually comes into play when individual output cannot be measured with accuracy. Therefore, team performance is evaluated on the basis of time taken to complete the job, rather than the output produced. मतलब कितने time में काम हुआ. Usually, the bonus earned by the group is divided among the members. बस ठीक है मतलब, बस ठीक है. For example, बस एक-एक line हुई है बस इसमें. A bonus may be paid to the department in which
आर रिजेक्ट रेट इन यूनिट्स ऑफ आउटपुट ब्लोज, मेरा इसकी जरूरत नहीं, बस एडवांटेजेस पर। एडवांटेजेस क्या है सर? ग्रुप स्कीम, अब ये एडवांटेजेस आप एम्प्लॉय नहीं है, आप कॉस्ट अकाउंटेंट है किसी फैक्ट्री में, तो आपके हवाले से कहा हुआ। ग्रुप स्कीम्स रिड्यूस क्लरिकल एफर्ट्स टू बी पुट इन, वजह क्लरिकल एफर्ट्स का मतलब क्या होगा? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन एफर्ट्स। अगर हर बंदे का एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय का आपको कैलकुलेट करना पड़ जाता, और फॉर एग्जांपल 100 एम्प्लॉयज हैं, तो आपको 100 अलग अलग वर्किंग करनी पड़नी थी। लेकिन अगर ग्रुप है और फॉर एग्जांपल 10-10 लोगों का ग्रुप है, तो आपकी ये वर्किंग बस 10 लोगों की रहती है। इट इज ईजी टू बी एडमिनिस्ट्रेड। ग्रुप स्कीम्स इम्प्रूव टीम, वो कहता है ताल्लुकात इम्प्रूव हो जाते हैं। एक वैसे पॉजिटिव ये भी है, लोग मिलजुल के काम करते हैं, क्योंकि मेरे जैसे ना हो, सब लोगों को पता हो मिलजुल के काम करेंगे तो यूनिट बनेंगे और देर पर बोनस मिलेगा, इसका पॉजिटिव भी लिया जा सकता है। टीम कोहिजन का मतलब मिलजुल के, टीम वर्क, मिलजुल के आपस में कोहिजन, मिलजुल जाएंगे। तो रिलेशनशिप्स इंप्रूव, शायद इसका मीनिंग एक दूसरे पे डिपेंडेंस नजर आएगा ना, एक अगर इसे पॉजिटिव लिया जाए तो, और उससे जरा ताल्लुकात अगर इंप्रूव हो, लेकिन उसका डेफिनेटली डाउनसाइड भी है, वो ताल्लुकात इंप्रूव हो तो बातें शुरू हो जाती हैं। जिस तरह साथ वाले भाई से पहले दिन अगर कोई साहब आपके साथ बैठे हैं और दोस्ती नहीं है तो टाइम लगता है, लेकिन जब वो कोहियत डेवलप हो जाती है फिर टाइम उधर ही लगता है और क्लास भी हो जाती है। जी मैनेज करना आसान, एडमिनिस्ट्रेटर का, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब मैनेज करना आसान, कम कम ग्रुप्स होंगे, मैनेजमेंट इजी है। लेकिन इसमें पहला, तीसरा तो मेरे ख्याल कोशिश की जा सकती है अच्छी। पहला क्या है? रिड्यूस क्लरिकल एफर्ट्स एंड इम्प्रूव टीम को ही। डिसएडवांटेजेस, मैनी एम्प्लॉयज माइट डिमांड फॉर मिनिमम टारगेट्स। जब लोग मिलजुल जाते हैं ना तो दिमाग ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, मशवरे ज्यादा हो जाते हैं, कि ये जो इन्होंने हमें कहा है ना कि एक घंटे या एक दिन में फॉर एग्जांपल 10 यूनिट बनाए, लेट्स से मैनेजमेंट स्टैंडर्ड बनाया कि एक दिन में स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं 10, एक दिन का स्टैंडर्ड है 10 यूनिट्स। समझ आ गया? नहीं, यहां तक बात ठीक है? अब इंडिविजुअली अगर आप किसी को देंगे तो हो सकता है कोई मैनेजमेंट के पास जाए और दरवाजा खड़का के, सर ये तो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड है, ये कौन अचीव करेगा? और हो सकता है कुछ लोगों के जहन में ये ना बात आए और वो जज्बाती हो जाए अचानक। लेकिन अगर टीम इकट्ठी हो गई तो किसी के जहन में ना भी आया तो दूसरा बताने वाला आ जाएगा, चलो यार मिलजुल के चलते हैं। और मिलजुल के जब दरवाजा खड़का सा भी खटकराया जाए तो उसकी आवाज जरा ज्यादा हो जाती है, मिलजुल के शायद फिर मैनेजमेंट महसूस करती है कि ग्रुप ही ना कहीं निकल जाए, सर वरना हम जा रहे हैं, नहीं आंसर हो जाएगी। तो वो डिमांड करेंगे मिनिमम टारगेट, कम से कम स्टैंडर्ड हो, ताकि थोड़ी सी प्रोडक्शन भी ज्यादा हो तो बोनस मिले। ठीक है सर। एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द बेस्ट एंड वर्स्ट माइट फॉल विक्टिम टू टीम पॉलिटिक्स, ये शायद मैंने पहले बात की। बेहतरीन काम करने वाला आप जैसा नौजवान और वेले बैठने वाला मेरा जैसा शख्स, टीम पॉलिटिक्स की नजर भी ये स्टोरी हो सकती है। प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम सर, नहीं बर्फीले सर मजाक अपनी जगह, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? द प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम ऑफर एम्प्लॉयज अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट। एक सर जी सिंपली ये है कि कॉस्ट सेविंग शेयर कर ली जाए, कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए जाए और एम्प्लॉयज नॉट इंटरेस्टेड कि अल्टीमेटली प्रॉफिट हो रहा है, नहीं। एक ये है कि एम्प्लॉयज को प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाया जाए, जिस तरह आपने शायद वर्ड सुने हुए WPPF, टैक्स वगैरह में सुने, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, तो वर्कर्स को प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाता है। मीन्स उसे कोई अगर वो काम ज्यादा भी करेंगे उन्हें उस वक्त बोनस नहीं, कब बोनस दिया जाएगा? जब साल गुजर जाएगा तो प्रॉफिट दिया जाएगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम भी हो सकती है। फिर वो कहता है साइज ऑफ दिस ऑफर इज रिलेटेड टू द डेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉई एंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट पीरियड टू डेट। फिर डेफिनेटली जो बोनस देंगे वो सब पे इक्वली डिवाइड नहीं होगा, ये प्रॉफिट है सब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं, उनमें जिनका डेजिग्नेशन को मैनेजर है या सीनियर मैनेजर है उनका शायद ज्यादा होगा, और जिसने ज्यादा टाइम गुजारा होगा ये भी लिखेंगे आप,
फॉर एग्जाम्पल 6 महीने पहले आया और कोई 20 साल से आपके साथ काम कर रहा है, तो किसकी तरफ आपका ज्यादा झुकाव होगा, तो उसको आप देने ज्यादा देना चाहते हो। तो अब इसमें फर्क क्या, इसमें क्या पड़ा हमने, मतलब व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम, कि प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाया जाएगा एम्प्लॉइज को। एडवांटेजेस इसके क्या है, बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट इट विल ओनली बी पेड व्हेन द कंपनी अफोर्ड टू पे। ये तो दूसरे बोनस है, अभी हम पे तो करें लेकिन हमें नहीं पता एंड में वो बोनस दे दे देगी लॉस हो जाए हमें। प्रॉफिट में से, प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाने का फायदा क्या, प्रॉफिट होगा तो देंगे और नहीं होगा तो नहीं देंगे। इट मीन्स इस बोनस की वजह से नुकसान का खदशा नहीं है, प्रॉफिट होगा तो शेयर कर लेंगे वरना नहीं। ये सही वर्ड्स, अफोर्ड टू पे तभी देंगे। एंड सच स्कीम्स ऑल्सो ऑफर टू इनडायरेक्ट लेबर, ये भी जरा सोचें। ये जो जितने हमने स्कीम्स पढ़ी इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयज को ही हिस्सा मिल सकता है, लेकिन कोई बेचारा सिक्योरिटी गार्ड है वो भी दिन रात खिदमत कर रहा है आपकी, कोई और ऐसे एम्प्लॉयज जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में, स्टोर रूम में, वो स्टोर रूम में इंचार्ज है, वो भी बड़ी मेहनत से दिल से काम करता है, तो उसको क्यों आप हिस्सेदार नहीं बना सकेंगे, क्योंकि अब एक्चुअल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन वो भी जब देखता होगा कि यार इन्हें बोनस भी मिलता है, अब मैं क्या करूं कि मुझे इन्होंने स्टोर रूम बैठाया हुआ, वरना मैं भी यूनिट्स बना सकता हूं, उसके जेन में भी आ सकता है, उसका भी दिल करता होगा मुझे बोनस मिला। तो अगर प्रॉफिट में हिस्सेदार बना दिया जाए तो शायद हम उसको भी दे के देने की पोजिशन में आ सकते हैं। तो कौन कवर होने के साथ कौन भी कवर हो सकता है, ठीक है। मतलब इसका ये फायदा है कि इनडायरेक्ट को भी हिस्सेदार बनाया जा सकता है, उसमें उनका सिर्फ डेजिग्नेशन और शायद लेंथ ऑफ पीरियड सिर्फ देखा जाएगा, अब प्रोडक्टिविटी शायद नहीं देखी जा रही। अब क्या देखा जा रहा है कि डेजिग्नेशन क्या है, मीन सारे शायद फैक्ट्री एज अ होल या बिजनेस एज अ होल को कवर किया जा रहा है। डिसएडवांटेज क्या है, एम्प्लॉइज मे बी पुटिंग इन बेस्ट ऑफ देयर एफर्ट्स येट ऑर्गेनाइजेशन माइट स्टिल इनकर लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ इश्यूज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज ने दिन रात काम किया, प्रोडक्शन बढ़ा दी, ठीक है, लेकिन सेलिंग डिपार्टमेंट वालों ने अपना काम अच्छा नहीं किया, देयरफॉर यूनिट कम बिके। उन बेचारों ने दिन रात एक कर दिया उनके, और सेलिंग डिपार्टमेंट का अच्छा काम ना करने की वजह से बिजनेस ओवरऑल लॉस में चला गया, तो कौन हाईली डिमोटिवेटेड होगा, अब उनका कसूर भी कोई नहीं। एम्प्लॉयज मे बी पुटिंग इन देयर बेस्ट एफर्ट yet organization might still incur loss on issues beyond the control। ab isi na suppose reverse karna zara, selling department ne badi achhi marketing campaign chalayi, units beche lekin unki quality achhi nahi bana sake wo workers jo the factory, to unki mehnat ke bawajood shayad ultimately wo profit nahi ho sakega jo expected tha, to isse phir kisi ki effort aur kisi ki na hone se ultimately agar losses honge to kaun demotivate hoga। और नंबर टू, ये शायद ज्यादा रेलिवेंट है, इट इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये कम मिलेगा जी शेयर प्रॉफिट में से, तो इसका पूरा अब काम मेहनत पूरा साल करनी है और रिवॉर्ड कब मिलना साल के एंड में, और वो भी पता नहीं मिलना या नहीं मिलना, तो ये भी ध्यान में आएगा कि पता नहीं पिछले साल भी मेहनत बड़ी की थी, इनके अकाउंटेंट ने कोई प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लड़ा के लॉसेस रिकॉर्ड करके, इम्पेयरमेंट लॉस पता नहीं क्या होता है वो भी लगा के, उधर इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कर करा करा के अल्टीमेटली फिर लॉस हो गया, तो इससे बात फिर क्या बता है, कोई नया कॉन्सेप्ट आ जाए, ये प्रॉफिट दिखाने ही है। क्या बता बेचारे एम्प्लॉय को क्या समझना है कि कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दैट ऑर्गेनाइजेशन आस्किंग फॉर, एम्प्लॉयज हैव टू वेट फॉर द बोनस अंटिल द ईयर एंड्स, रिवॉर्ड इज नॉट एन इमीडिएट वन। एक ये है कि रोज का रोज घर लेके जा रहे हैं आप, सुकून सो रहे हैं सुबह आके फिर मोटिवेटेड है। एक ये है कि इंशाल्लाह 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 360 दिन रह गए हैं, 359 दिन रह गए वगैरह वगैरह। नंबर 5, नहीं मतलब वैसे क्लियर है, एक सॉरी बस एक मिनट, शेयर इंसेंटिव स्कीम क्या है। शेयर इंसेंटिव स्कीम इज वेयर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी आर गिवन अ ऑप्शन टू एक्वायर शेयर्स एट एज एन इंसेंटिव। शेयर ऑप्शंस हैं सर, in this way the employees morale rises so that their loyalty due to the feeling that they become stake owner। aisa aisa company mein maine ek employee ke taur pe company join ki thi, main to owner hota ja raha hu, har guzarte din ke sath is factory ki ek ek unit, ab is unit mein mera bhi is machine mein 0.00001% mein malik ho gaya। aisa sir feeling check kare aap,
एम्प्लॉयज को धोखा देने का एक और तरीका। जी सर, घर के घर से आज आपने क्या करना है, नोट करने का नहीं, मैं बताता हूँ। पेज नंबर 234 से जो शुरू किया मैंने, यहाँ से लेके पहले 237 तक, प्लीज एक छोटी सी रीडिंग करनी है आपने, देन आपने रुकना है पेज नंबर 245 पे, और ये एग्जाम्पल फाइनल करनी है। और देन आखिरी काम ये करना कि ये जो हमने एक दो दिन पहले एक डेल किया था, मेरा ख्याल एक अच्छा सवाल था, उसको रिवाइज करना। बाकी डेफिनेटली इन क्वेश्चंस में जो पिछले दिनों में हुए हैं उनमें आपके क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए इंशाल्लाह हमने कुछ टाइम कल परसों निकालना है, ठीक है। तो आज प्लीज जरा ये लर्निंग का जरा फाइनल कर लें, ताकि इनको बाद में टाइम देने की जरूरत ना रहे। जज़ाकअल्लाह फॉर कमिंग सर, अल्लाह हाफिज़। कल जरा काइंडली टाइम पे क्लास में आइएगा, आपके साथ दो तीन एक्स्ट्रा पेजेस जरा शेयर होंगे। आईकैप ने एक छोटा सा टॉपिक और ऐड किया हुआ, तो उसके जरा नो उसके पेजेस बुक में नहीं है, तो ये ना मैं कल पेजेस पे ही रहता रहूँ, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये भी हो सकता है आईकैप पे और टॉपिक और ऐड कर दे, तो ये कोई टेंशन नहीं है। पेजेस लेने हैं तो टाइम पे आइएगा।